अच्छा भाभी मैं जा रही हूँ। गीत कहाँ जा रही हो? भैया वो ना मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, वहाँ जा रही हूँ। फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हो और ये कपड़े पहन के? क्या हुआ, ट्रेंडिंग कपड़े तो हैं और आजकल इन्हीं का फैशन है। गुंजन। हाँ जी। अरे जब ये मेरे सामने ऐसे कपड़े पहन के बाहर जा रही है तो जब मैं घर नहीं होता हूँगा तो ये कहीं कॉलेज या ट्यूशन ऐसे कपड़े पहन के जाती है क्या बाहर? हाँ जी, ये ऐसे ही कपड़े डालकर जाती है। फिर तुमने रोका क्यों नहीं इसको? मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की पर इससे मेरी एक भी नहीं मानी, तो फिर मैंने बोलना ही बंद कर दिया। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दो थप्पड़ ही लगा देती इसको, अगर ठिकाने आ जाती इसकी। अगर मैं इसको दो थप्पड़ लगा देती ना तो दुनिया वाले तो यही कहते ना कि माँ बाप के जाने के बाद भाई भाभी बहन पर अत्याचार कर रहे हैं। अरे हमें दुनिया से क्या लेना देना है, हमारे को ये देखना है ना कि हमारी बहन किस रास्ते पे जा रही है, कहीं ये गलत ट्रैक तो नहीं पकड़ रही। अरे बस करो भाभी। और भैया क्या ड्रामा लगा रखा है ये, और वैसे भी आजकल ना ट्रेंडिंग में है ये कपड़े, सारी गर्ल्स ना ऐसे ही कपड़े डालती है और फैशन भी इसी का है। अच्छा इन कपड़ों का फैशन आजकल, तो तुम्हारी भाभी क्यों नहीं डालती ऐसे कपड़े? भाभी और वो भी ऐसे कपड़े? भैया ऐसे कपड़े डालने के लिए ना फिट बॉडी और मेंटेन फिगर होना बहुत जरूरी है, ऐसे अदरक जैसे शरीर पे ऐसे कपड़े अच्छे भी नहीं लगेंगे। गीत। अरे रुको गीत, ऐसे घटिया कपड़े पहनने के लिए ना मेंटेन बॉडी होने की कोई जरूरत नहीं होती, और ऐसे घटिया कपड़े पहनने के लिए ना आंखों में बेशर्मी ही काफी है, और ऐसे घटिया कपड़े पहनने के लिए अपने घर वालों से बेइंतहा नफरत करने की सोच होनी चाहिए, और ऐसे घटिया कपड़े पहनने के लिए बाहर जाके अपने माँ बाप और भैया भाभी की इज्जत उछालने के लिए ना वो खसक और वो दिल होना चाहिए जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। बस करो भाभी, बहुत देर से आप बोले जा रहे हो। और हाँ भैया, मुझे जैसे कपड़े डालने ना मैं वैसे ही डालूंगी। गीत, माँ बाप के चले जाने के बाद हमने तुम्हारी परवरिश में कौन सी कमी छोड़ी है? अरे जैसे एक माँ बाप अपनी बेटी की परवरिश करते हैं ना, वैसी ही परवरिश हमने तुम्हारी करी है। अच्छे से अच्छे कॉलेज में तुम्हें पढ़ाया, अच्छे से अच्छी कोचिंग क्लास ज्वाइन कराई है, यहाँ तक कि तुम्हारी भाभी, अरे तुम्हारी भाभी तुमको काम तक नहीं बताती ताकि तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट ना आए। तुम्हें पता है हमारे घर में ना सिर्फ एक ही कमरा है जो कि हमने तुम्हें दे रखा है, और हम पति पत्नी होने के बावजूद भी ड्राइंग रूम में सोते हैं ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। लेकिन तुम, अरे ऐसे नाम रोशन करोगे क्या अपने भाई भाभी का? लेकिन बाकी लड़कियां तो ऐसे कपड़े डालती है ना। ये तुम मेरे सिर पे हाथ रख के मेरी कसम खा के बोलो, जो तुम्हारी क्लास में टॉपर स्टूडेंट्स हैं क्या वो ऐसे कपड़े पहन के आती हैं? नहीं। यही मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें, जो लड़कियां टॉपर आई हैं ना उन्हीं का ही संग करो ताकि तुम भी टॉपर आओ और तुम्हें अच्छी नौकरी मिले, अच्छी सैलरी मिले और इस गरीबी से बाहर आ सको। और मैं ये चाहता हूँ जो जीवन हम जी रहे हैं वैसा तुम्हें ना जीना पड़े। सही कह रहे हो भैया, मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ। गुंजन, माँ बाप के चले जाने के बाद ना छोटी बहन और छोटी ननद को अपनी बेटी के समान ही समझना चाहिए। जैसे संस्कार माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं ना, वैसे ही संस्कार हमें भी उन्हें देने चाहिए। भैया अब कैसी लग रही हूँ मैं? अब हमारी गुड़िया रानी कितनी प्यारी लग रही है। ये हुई ना बात। ठीक है भाभी मैं चलती हूँ।